बीजेपी कांग्रेस वाला ने केस लूट लिया, हरियाणा लूट लिया। प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने पलवल में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप कौशिक के समर्थन में पदयात्रा निकाली और इस दौरान जयहिंद ने कहा कि पलवल की जनता का कांग्रेस और बीजेपी ने राजनीतिक इस्तेमाल किया है। उन्होंने सिर्फ सत्ता पाने के लिए पलवल की जनता को याद किया है। राजधानी से सटे होने के बावजूद पलवल की जनता बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। अरे बीजेपी कांग्रेस वाला ने देश लूट लिया, हरियाणा लूट लिया, इतने साल हो गए यही तो थे। दिल्ली में आपके जानकार रिश्तेदार होंगे, दिल्ली में एक नंबर के काम करती है, बिजली फ्री, पानी फ्री, स्कूल एक नंबर के, हॉस्पिटल एक नंबर के, रोजगार के 20 साधन है भाई। अड़े बिजली, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल है कोई ढंग का? क्यों कुछ नहीं है ना, ये गरीब आदमी तो मर जाएगा। गरीब आदमी प्राइवेट में क्यों पड़ा होगा? प्राइवेट हॉस्पिटल में कितना इलाज करा लेगा भाई कि मैं बीमारी हो जाते। तो साथियों, आप लोगों को मजबूती से लड़ाई लड़नी पड़ेगी और इस सरकार, ये सरकार आप लोगों को पता हुआ, एक पीछे से वीडियो देखे हुआ है, बीजेपी वाले हरियाणा वाले ने तो पाकिस्तानी बतावा है, कोई नारे नहीं लगाता तो पाकिस्तानी सुनी थी कि नहीं सुनी थी? पाकिस्तानी बताओ भाई साहब, मुख्यमंत्री में इतना घमंड हो रहा है, अग वो फरसा लेगा नुगा गर्दन काट दूंगा, सुनी थी कि नहीं सुनी थी? अरे सुनी थी ना, रुका मारो, सुनी थी कि नहीं सुनी थी भाई? ये गर्दन काट मुख्यमंत्री, गर्दन काट सरकार, या नहीं चाहिए? अब इसलिए मैं तो जहां पर भी जाऊं ना, फरसा लेकर जाऊं, मैं दिखाऊं, वो भी भूलियो मत ना, याद रखना, बोलना नहीं है फरसा, क्योंकि ये गर्दन काट मुख्यमंत्री है, गर्दन काट सरकार है। साथ ही उन्होंने कहा कि पलवल को जिला का दर्जा दिया गया है, लेकिन सुविधाएं सिर्फ कागजों में रही। यहाँ के सरकारी स्कूल और अस्पतालों का सरकार ने बुरा हाल कर रखा है। सरकार कह रही है कि अगले 5 साल सरकारी स्कूल और अस्पतालों को सुधारेगी, लेकिन पहले ये तो बताएं कि पिछले 5 सालों में सरकार ने क्या किया है। बीजेपी जनता के लिए घोषणा पत्र नहीं, फिर से जुमला पत्र लेकर आई है। पलवल से न्यूज के लिए रुस्तम जाखड़ की रिपोर्ट।